Aslam alaikum Grade 5. I am your science teacher, Akasharu, the Right School Shinkari campus. This is my first online lecture due to COVID. Uh, now open your textbook, General Science. It's page number first, classification of living organism and यूनिट नंबर फर्स्ट तो स्टूडेंट हमारे जो चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर पे जाने से पहले इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं चैप्टर के अंदर जो चैप्टर से ली गई हैं हम इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे पहले व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन हमारे पास सबसे सब पहले टर्मिनोलॉजी में भी आती है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग किसी भी लिविंग मतलब किसी भी चीज थिंग्स को ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप बना लें और उनको फिर फर्दर छोट छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दें जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कि मैं क्लास में ग्रुप्स बना देती हूँ फोर ग्रुप ठीक है उसमें मैं फोर ग्रुप के नाम दे देती हूँ ए बी सी डी ठीक है ये होती है क्लासिफिकेशन अब इन फोर ग्रुप्स में से भी मैं आ, फर्दर आ, फोर ग्रुप में भी हर एक ग्रुप को डिवाइड करती हूँ टू टू ग्रुप्स पे फ़ोर ग्रुप हैं तो हर एक ग्रुप को भी मैं और छोटे ग्रुप में डिवाइड करते हैं यानी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ऐसे ग्रुप ठीक है तो ये होती है क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ की किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी लिविंग थिंग की जब हम लोग ग्रुपिंग करते हैं अपनी आसानी के लिए समझने के लिए अच्छे तरीके से हम तैयारी कर सकें जैसे कि अब आप लोग ग्रेड फिफ्थ में पढ़ते हैं तो क्या आप आ, सारे सब्जेक्ट्स को एक जगह पढ़ते हैं नहीं हर एक अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते हैं तभी आपको अच्छे से याद होता है समझ सकते हैं तो ये होती है क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो आई नो कि आप लोग फेमिलियर होंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो कि जानदार जिनको हम कहते हैं ठीक है दे कैन मूव दे कैन ग्रो दे कैन रिप्रोड्यूस ठीक है तो ये हमारे चैप्टर का नाम और उसका मतलब है हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं चैप्टर में के क्लासिफिकेशन में तो आपको ये भी पता है कि लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें तो लिविंग थिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं और डिफरेंट एनिमल्स भी आ जाते हैं अब हम उनकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो टर्मिनोलॉजीज़ है तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है क्लासीफिकेशन और उसके आगे डिस्क्रिप्शन दी हुई है यानी कि उसका इंग्लिश में आपको बताया गया है कि वट इज़ क्लासीफिकेशन क्या होती है क्लासिफिकेशन तो प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स यानी कि किसी भी थिंग्स um, को ऑब्जेक्ट को ग्रुप का ग्रुप में एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना तो स्पीशी क्या है व्हाट इज़ स्पीशी इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर अ जीन्स आर एबल टू इंटरब्रीड एंड टू क्रिएट ऑफिंग स्पीशी एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो कि क्या करते हैं अपने जीन्स को शेयर करते हैं यानी कि पेरेंट्स से और में करेक्टर जा रहे होते हैं ये उस जस्ट लाइक एग्ज़ाम्पल के ये जो एक ही है ये जो है अपने फादर का बेटा है या बेटी है ठीक है तो अब वो कैसे पता चलेगा तो वो हम लोगों को उनके डी से पता चलेगा यानी कि उनके जीन से पता चलेगा ठीक है और वो यानी कि स्पिशी हम लोग कह सकते हैं नस्ल मतलब के जो एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो अपनी नस्लें बढ़ा रही होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं स्पीशीज़ वर्टिब्रेट तो आप जानते हैं व्हाट इज़ वर्टिब्रेट दोज एनिमल विच हैव बैक बोन जिनके अंदर बैक बोन होती है रीढ़ की हड्डी होती है उसको वर्टिब्रेट कहते हैं और इनवर्टिब्रेट दो ऑर्गेनिजम्स दोज एनिमल्स डू नॉट हैव बैक बोन कोटिलेडन क्या होता है तो ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है ये सीड्स का पार्ट होता है जो कि न्यू सीड या न्यू लीव से जब छोटा सा सीडलिंग या पत्ता सा छोटा सा स्टेम सीराइज हो रही होती है हम उसको कहते हैं और कोटिलेडन दो तरह के होते हैं मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन कोटिलेडन ठीक है रूट की हम बात करते हैं तो दो डिफरेंट तरह की रूट हम आपकी इस चैप्टर में पढ़ेंगे टेप रूट एंड फिब्रस रूट टैप रूट जो होती है मेन रूट होती है किस चीज़ की प्राइमरी रूट सिस्टम की ये वर्टिकली ग्रो, डाउन ग्रोइंग होती है यानी कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ वर्टिकली ठीक है डाउनवर्ड ग्रोइंग होती है इसकी एग्जांपल दूँ तो जैसे कि अब हम लोग कैरेट खा रहे हैं रेडिश खा रहे हैं ठीक है और इसके मुकाबले में फेबरिस रूट इसके बिल्कुल अपोजिट होती है टैप रूट के वो थोड़ा सा इस तरह फैली हुई होती है वो टैप रूट जो फेबरिस रूट सॉरी और ऊपर टेप रूट की मैंने आपको एग्जांपल दी रेडिश वगैरह की नेक्स्ट अब हम जाते हैं पेज नंबर टू पे अच्छा स्टूडेंट्स इससे पहले आप लोगों ने क्या करना है साइंस की टर्मिनोलॉजी ये आपने नीट कॉपी पे करनी है टर्मिनोलॉजी ठीक है और इसके अलावा साइंस की डिफिनेशन आपने पेस्ट की हुई है स्प्रिंग ए, थीम के बाद जो पेज है उस पर व्हाट इज़ साइंस साइंस की डिफिनीशन पेस्ट की हुई है आपने और जिन्होंने नहीं की हुई तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेंड कर दूँगी ठीक है प्रिंट आउट करके आपने पेस्ट करनी है साइंस की डिफिनीशन और हु इज़ द फादर ऑफ़ साइंस तो ये भी आपने पेस्ट करना है गले गलेली, गलेली इज़ द फादर ऑफ साइंस ये मैं आपको जिन्होंने नहीं की उनके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये शेयर कर दूंगी आपने पेस्ट करनी है और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने ये टर्मिनोलॉजीज आपने नीट नोटबुक पे लिखनी है ठीक है अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं पेज नंबर टू ठीक है इंट्रोडक्शन है तो इसमें आपको बता दिए गए कि आपने प्रीवियस ग्रेड में क्या पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के टू मेन ग्रुप पढ़े थे वन इज़ प्लांट एंड अदर इज़ एनिमल्स अब इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो मेन ग्रुप हैं बहुत बड़े ग्रुप हैं इनको इकट्ठा स्टडी करना मुश्किल है तो अब इस चैप्टर में इस ग्रेड में आप ये पढ़ेंगे कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे जो है साइंटिस्ट ने हम लोगों को बायोलॉजिस्ट ने क्या कर दिए फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड करके दे दिया जिसको हम लोग क्या करते हैं क्लासिफिकेशन तो स्टूडेंट्स ये जो एक्टिविटी है वन एक्टिविटी वन पॉइंट वन राइट डाउन द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स विच यू कैन सी इन योर सराउंडिंग्स उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम लिखने हैं जो आप अपने गिर्द देखते हैं ठीक है प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों तो हर स्टूडेंट के मिनिमम फाइव फाइव जो है फ़ाइव एनिमल्स फ़ाइव प्लांट्स यहाँ पर लिखे होने चाहिए और ये मुझे आप डिस्कशन बॉक्स में इस टेबल की पिक्चर सेंड करेंगे ठीक है हर एक स्टूडेंट ने लिखना है फाइव प्लांट्स एंड फाइव एनिमल्स अब नेक्स्ट हम जाते हैं क्लासिफिकेशन पे तो <coughs> ये भी मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन जो होता है हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिसको किसी भी थिंग को हम लोग ग्रुपिंग करते हैं ग्रुप्स में सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं क्लासिफिकेशन में हम लोगों को ये पता चलता है कि हम ये नहीं है कि ग्रुप बना रहे हैं उसमें हम लोग डिफरेंट चीज़ें रख रहे हैं नहीं हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं जो बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन की उसमें उन्होंने सिमिलर थिंग्स को रखा सिमिलर चीज़ों को रखा अगर वो एनिमल है तो एनिमल्स का ही ग्रुप बनाया ना कि उसमें कोई प्लांट ला ला के रख दिया ठीक है थीके? या कोई बैक्टीरिया ला के रख दिया अगर एनिमल में भी हम डिवीजन करते हैं तो एनिमल में वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट होते हैं तो वर्टिब्रेट में इनवर्टिब्रेट को मिक्स नहीं किया और अगर हम वर्टिब्रेट भी देखते हैं तो वर्टिब्रेट की कोई एक में क्लास ले लेती हूँ जैसे कि फिशेस फ़िश जो क्लास है पाइसिस जिसको कहा जाता है उसमें साइंटिस्ट ने बायोलॉजिस्ट ने कोई और एनिमल नहीं रखा जैसे कि कोई सांप नहीं रखा रिप्टाइल जिनको कहा जाता है कोई मैमल नहीं रखा जैसे कि काऊ वग़ैरह गोट वग़ैरह ठीक है तो फिश ही की सारी स्पीशीज़ रखी यानी कि फ़िश की ही सारी नस्लें उसमें रखी तो हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं तो क्लासिफिकेशन जो होता है सिमिलर थिंग्स आर कैप्टन वन ग्रुप एक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ सिमिलर चीज़ें रखी जाती हैं सिमिलरिटी किस बेस पे होती है किस तरह हमें पता चलता है तो शेप की बेस पे साइज़ की बेस पे फिज़िकल स्ट्रक्चर एंड कलर वगैरह की बेस पे कि फ़िश की शेप सारी फिशेस की शेप एक जैसी होती है सबका जो रहने का तरीक़ा है वो एक है पानी में रहते हैं वाटर डवेलिंग है सब के फिज़िकल स्ट्रक्चर सेम हैं ठीक है उनमें बैकबोन सेम है सब में किसी में ये नहीं है कि वो गोट की तरह है किसी में पाँव नहीं है सबके फिन हैं ठीक है, है? सबका साइज साइज़ तो डिफरेंट होता है लेकिन है तो वो फिश ना कलर देखा जाता है मतलब इनमें से कोई एक करेक्टर भी अगर मैच कर रहा है या कम से कम दो करैक्टर मैच कर रहे हैं तो वो उसको सेम ग्रुप में रखते हैं ये होती है क्लासिफिकेशन ये एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में अब स्पैरो के साथ कभी भी ड्रैगन फ्लाई को नहीं रखा जाएगा ठीक है स्पैरो के साथ हमेशा आ, हम क्रो को रखा जाएगा मतलब अगर हम लोग इन को भी डिवीन करते हैं एवीज़ को यानी कि बर्ड्स वाले क्लास को भी डिवीन करते हैं तो हम स्पैरो को भी अलग वो आगे फिर बहुत ज़्यादा डिवीजन में आ जाता है लेकिन सिंपल सी बात है कि कभी भी प्लांट्स के साथ एनिमल्स को नहीं रखा जाता ठीक है केट्स का एनिमल का अलग ग्रुप है रोज फ्लावर का अलग ग्रुप है फिर बटरफ्लाई यानी कि इंसेक्ट्स वगैरह का अलग ग्रुप होता है ठीक है अब एल है वो अलग ग्रुप में आ रहा है क्लासिफिकेशन का फ़ायदा क्या है वट इज़ द बेनिफिट ऑफ क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन ह्यूमन बींग के लिए इंसानियत के लिए इंसानों के लिए इजी हो गया है पढ़ना एनिमल्स को और प्लांट को अलग अलग ग्रुप्स में तकसीम किया गया डिवाइड किया गया फिर एनिमल्स को फर्दर डिवाइड किया गया प्लांट को फर्दर डिवाइड किया गया एक बिग ग्रुप से स्माल स्माल छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर हम लोगों को उन्होंने हमारी आसानी के लिए क्लासीफाई करके दे दिया जिसको ईज़ी अंडरस्टैंड करना पढ़ गया हम लोगों को ठीक है तो ये था सारा आज का लेक्चर आई होप आपको समझ आ गया होगा और अगर कहीं से किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो रहा है तो मुझसे आप डिस्कशन बॉक्स में पूछ सकते हैं तो आपने लाजमी भी साइंस की डिफिनीशन प्रिंट आउट करके लगाना है और हु इज़ द फ़ादर ऑफ़ साइंस ठीक है और इसके अलावा ये टर्मिनोलॉजीज़ आपने क्या करनी है नीट नोटबुक पे लिखनी है और डिफिनीशन साइंस की ये है साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ़ नेचुरल थिंग्स एंड द नॉलेज दैट वी ऑपटेंड अबाउट देम तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी पिक्चर शेयर कर दूँगी थैंक यू अल्लाह हाफिज़